नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। शिवसेना की सियासत पाकिस्तान विरोध के साथ ही यूपी बिहार के लोगों को महाराष्ट्र से बाहर करने पर ही चलती रही है। पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे के रहते शिवसेना ने ही मुंबई के वानखेड़े पिच को खोद डाला, जिससे उस वक्त भारत दौरे पर आई पाकिस्तानी टीम वानखेड़े में मैच नहीं खेल सकी। यही नहीं, शिवसेना पाकिस्तानी कलाकारों का भी मुखर विरोध करती रही है। यही शिवसेना बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगाने की मांग भी कर चुकी है। लेकिन अब लगता है कि शिवसेना का पाकिस्तान विरोध पाकिस्तान प्रेम में बदल गया है, क्योंकि जब से शिवसेना ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी का दामन थामा है, तभी से शिवसेना बदली बदली सी नजर आ रही है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए पार्टी जहां हिंदुत्व के मुद्दे से भी समझौता करने को तैयार नजर आई, तो वहीं महाराष्ट्र की सियासत के पल पल का हाल शायराना अंदाज में बयां करने वाले पार्टी प्रवक्ता संजय राउत आजकल पाकिस्तानी शायर हबीब जालिब की शायरी गुनगुना रहे हैं। पाक कलाकारों का विरोध करने वाली शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत जब पाक कलाकार की शायरी को गुनगुनाएंगे तो थोड़ा अजीब तो लगेगा ही। लिहाजा संजय राउत ने जैसे ही 18 नवंबर को मोदी सरकार पर तंज मारते हुए ट्वीट किया, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। हबीब जालिब। संजय राउत के इस ट्वीट पर पत्रकार नवीन कुमार ने तंज मारते हुए लिखा, राजनीति क्या क्या नहीं कराती, पाकिस्तान के साथ खेल पर पिच खोद देने वाले लोग पाकिस्तान के अजीम शायर की शायरी से अपनी सियासत बयां कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं, किसी देश के लेखकों, चिंतकों, कलाकारों, संगीतकारों से नफरत मत करो। गुलाम अली की बिरादरी के बंधनों से कौन आजाद है यहाँ? कौन है हबीब जालिब? महाराष्ट्र की सियासत के बारे में शायरी के जरिए बताने वाले संजय राउत ने जिस हबीब जालिब का शेर लिखा, वो हबीब जालिब पाकिस्तान के रहने वाले थे। उनका जन्म 24 मार्च 1928 को होशियारपुर में हुआ था और 12 मार्च 1993 को उन्होंने आखिरी सांस ली। हबीब जालिब सत्ता की आलोचना करने वाले शायरों में थे, मानो उनकी कलम में बगावत थी। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकी था। ये शायरी हबीब जालिब ने 60 के दशक में कही थी, जब पाकिस्तान में लोकतंत्र का खात्मा कर जनरल अयूब खान का मार्शल लॉ चल रहा था। ऐसे में रावलपिंडी रेडियो से एक लाइव मुशायरा प्रसारित हुआ। ज्यादातर शायरों ने इश्क आशिकी महबूबा पर गजलें पढ़ी, पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधे, लेकिन नौजवान हबीब जालिब ने अफसरों की गाइडलाइंस को सिरे से नकारते हुए पाकिस्तान के असली हालात और दहशत के आलम पर शायरी पढ़नी शुरू की। हबीब जालिब की बगावती शायरी सुनते ही मुशायरा तुरंत रोक दिया गया। रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर को सजा हुई, शायर को जेल भेज दिया गया। लेकिन तब तक वो नौजवान पाकिस्तान के हालात की असल तस्वीर पेश कर चुका था। अपनी बगावती शायरी की वजह से ही हबीब जालिब को ज्यादातर जेल में ही रहना पड़ा।